गट वाला कमर्शियल हब के पास तो तमाम हुकूमती अप्रूवल्स मौजूद हैं, लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट के पास ये अप्रूवल्स ना हो तो जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट के पास अप्रूवल्स हों तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि उस प्रोजेक्ट में तमाम यूटिलिटीज और लीगल कंप्लायंसेस का खास ख्याल किया गया है, और वो भी हकूमत की मंजूरी से। इसमें फैसलाबाद में शामिल होती हैं TMA, HLDC, DPDC, SECP, वासा, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, FDA, FESCO, FBR, सिटी ट्रैफिक पुलिस, TNT, सुई गैस, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, आपने इन सब इदारों के पास जाकर एक एक NOC नहीं देखना, बल्कि आपका गर्ज होना चाहिए एक ही डॉक्यूमेंट में, और वो है सैंक्शन लेटर, जिस प्रोजेक्ट के पास सैंक्शन लेटर है उसके पास ये तमाम अप्रूवल्स मौजूद है। इजी। तो अब बात करते हैं उन प्रोजेक्ट्स की कि जिनके पास अप्रूवल्स नहीं होते। भाई सबसे पहले तो वो कंस्ट्रक्शन का काम लीगली शुरू ही नहीं कर सकते और ना पब्लिकली इश्तिहारबाजी कर सकते। इसका मतलब है कि आपको ये प्रोजेक्ट ना तो बिलबोर्ड पर नजर आएगा, ना रेडियो पर, ना टीवी के ऊपर। चले फर्ज करें बगैर अप्रूवल्स के डेवलपर ने बुनियाद डाल ली, बुनियाद क्या मैं कहता हूं उसने पूरी बिल्डिंग खड़ी कर ली, तो फिर तीन ही मुमकिन नतीजे हैं। एक, इस बिल्डिंग ने सील होना है, या तो इस बिल्डिंग ने डिमोलिश होना है, या तो इसने खड़े खड़े बस हवाई खाते रह जाना, इस्तेमाल में नहीं आने वाले। और इन तीनों सूरतों में आपकी की गई सरमायाकारी भी उसी बिल्डिंग के साथ फंसी रह जाएगी। तो इतनी रिस्की सरमायाकारी का फिर जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत, वो डेवलपर, या फिर आप? तो शुक्र है कि आपने ये गट वाला कमर्शियल हब का एड यहां तक देख लिया, तो आपको तो इन चीजों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एक अप्रूव्ड और तेजी से तामीर होते हुए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, और फिर चाहे कारोबार चलाएं, जायदाद बनाएं या सरमाया कमाएं। गट वाला कमर्शियल हब में सरमायाकारी की मालूमात हासिल करने के लिए आज ही साइट का चक्कर लगाएं या दिए गए नंबर पर राबता करें।